अभी हमारी टीम मौजूद है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव संजय कुमार जी के साथ। आइए बात करते हैं संजय जी से बिहार क्रिकेट में हो रहे गतिविधियों को लेकर, विवादों को लेकर और क्रिकेटरों को लेकर। और सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप और बिहार क्रिकेट के अध्यक्ष के आपसी लड़ाई में जो लड़कों के साथ, जो खिलाड़ियों के साथ हो रहा है, वो कहाँ तक जायज़ है? इसमें तो सारे बिहार के क्रिकेटर और सारे बिहारवासी जान रहे हैं कि अभी बिहार क्रिकेट की स्थिति ऐसी हो गई है कि क्रिकेट छोड़कर काफ़ी कुछ चल रहा है। आपको याद होगा कि 29 सितंबर को मैं चुनाव जीत कर आया था। 29 सितंबर को जब मैं चुनाव जीत कर आया था तो उस समय बिहार में एक बाढ़ की स्थिति बनी थी, जो कि मोइनुलहक स्टेडियम काफ़ी डूब चुका था। वहाँ से हमारे कुछ क्यूरेटर ने इतना मदद किया, लोगों ने बहुत जी जान से लगकर हमारे मोइनुलहक स्टेडियम को सुधारा। वहाँ काफ़ी रणजी मैचेस करवाए हमने। इस क्रिकेट को देखते हुए बीसीसीआई ने हमें उपहार स्वरूप क्वाड्रेंगुलर सीरीज भी दिया। तो 29 सितंबर से 31 जनवरी तक क्रिकेट ही हो रही थी बिहार में, क्रिकेट की बातें हो रही थी बिहार में। लेकिन अचानक 31 जनवरी के बाद जो एक साल में दो AGM वाली बात, जिसके कारण हमारे और अध्यक्ष में अनबन हुआ, उसके बाद बिहार क्रिकेट में क्रिकेट को छोड़कर काफ़ी कुछ होने लगी, जो आपसे, आपको और आप सबको जानकारी। सर, बात की जाए क्रिकेट की, बात की जाए आपके कानून की, आपके बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का भी कुछ अपना बायलॉज होगा, उसके अनुसार आपको क्या लगता है कौन सही है, किस ग्रुप की बात की जाए? क्योंकि यहाँ ग्रुप में बढ़ चुका है, बच्चे भी डर रहे हैं, आपके पास आए तो अगला नाराज, अगले के पास जाएं तो आप नाराज। नहीं, बच्चे या क्रिकेटर या फिर आप कहें कि पूर्व के क्रिकेटर, काफ़ी उन लोगों में गलत फहमियाँ हैं, वो लोग क्रिकेटर हैं, कि इधर जाऊँ सचिव को नाराज करूँ कि अध्यक्ष को नाराज करूँ। लेकिन जो भी चीज़ आप देख रहे होंगे अध्यक्ष के द्वारा, असंवैधानिक चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सारा काम संवैधानिक, लेकिन सारे लोग देख रहे हैं कि आप देख रहे होंगे कि जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं, अभी हमारे CEO हो जा रहे हैं, कभी हमारे सुधीर कुमार झा CEO थे, वो अचानक गायब होकर मनीष राज हो जा रहे हैं। क्रिकेट में आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं कि बिहार के जितने भी लोगों ने रणजी ट्रॉफी या फिर हमारे जो मैच थे अंडर 19, अंडर 23, जिसमें हमारे वेंडर ने काफ़ी मदद किया था, आज उनको पेमेंट न होके आज क्या हो रहा है कि आज पेमेंट अपने खास लोगों को पेमेंट किया जा रहा है, जिसमें आप CEO को या इथिक अफसर जो अपना पसंद के लोग बना ले रहे हैं, GM बना रहे हैं। तो मेरा कहना था कि जो पैसा BCCI के द्वारा क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के उत्थान के लिए, बच्चों के लिए आया है, वो पैसा अगर हम अननेसेसरी चीज़ों में खर्चा करते हैं तो वो बहुत गलत है। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि अभी हाल में ही सारे लोगों ने ये बोला कि सभी पदाधिकारी के PS होंगे, एक PS पर अगर सारे कॉम का PS जोड़ा जाए तो साल का 25 लाख रुपया PS पे खर्च आता है। मैं बताऊं, अगर ये 25 लाख PS आप हमारे जॉइंट सेक्रेटरी का PS, हमारे जिला प्रतिनिधि का PS, इनका क्या काम? अगर यही 25 लाख रुपया अगर हम लोग साल के एक AGM में, अगर हमारे जो जितने भी, आपको मालूम है कि 18 सालों से बिहार में क्रिकेट नहीं हो रहा था, कई क्रिकेटर ऐसे थे कि क्रिकेट खेले लेकिन उनकी न पहचान बन सकी, न क्रिकेट में कुछ आगे जा सके, अगर हर जिला से हम उस तरह के 5-5 क्रिकेटर को अगर हम नॉमिनेट करके हर साल अगर उनको 5-5 लाख रुपया का एक अनुदान राशि दें, तो जितना मैं PS के नाम पे 25 लाख खर्चा करता हूँ, वो उस क्रिकेटर को राशि मिली होगी। अभी आपने देखा होगा ICA ने कोरोना काल में हर रणजी प्लेयर को मदद किया था, जिसमें पवन कुमार को हम लोगों ने नॉमिनेट किया था, 1 लाख रुपया उनको मिला था। तो इस तरह से जिला में मेरा यही मानना है क्रिकेट का पैसा क्रिकेटर पर जाए। और सर, बात करते हैं पूर्व से, जब ये हमारे को, हमको मान्यता मिली, रविशंकर जी थे सचिव, मैचेस शुरू हुए, क्रिकेट शुरू हुआ, फिर आप आए उनके उत्तराधिकारी बनके और आपके समय में अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं का मैच भी आपने कराया, बहुत अच्छा लग रहा था बिहार अपने उस पर धरे पे चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि पूर्व में बिहार ने भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी दिए हैं, शुरुआत करें तो रमेश सक्सेना, शबा करीम, फिर MS धोनी। मान्यता ख़त्म होती है, मान्यता मिलती है, लड़के अच्छा खेलते हैं, फिर इस तरह का बात हो तो फिर लड़के कहाँ जाएंगे? ये तो सोचना होगा। मैं भी यही बात सोचता हूँ कि हम आपसी लड़ाई में, बिहार क्रिकेट के आपसी लड़ाई में बच्चों का भविष्य खराब ना हो, ये हमारे अध्यक्ष जी को भी सोचना होगा।
और हमें भी सोचना होगा, क्योंकि काफ़ी 18 सालों के लंबे अंतराल के बाद बिहार क्रिकेट को मान्यता मिला है और जिस तरह की स्थिति परिस्थिति बन रही है अध्यक्ष जी के द्वारा असंवैधानिक कारणों से, आप देख रहे होंगे लगातार उन पे कोर्ट में डे टू डे एक एक केस फाइल होता जा रहा है, तो जिस तरह से असंवैधानिक कार्य हो रहा है, अगर बाई द वे फिर हम लोगों के हाथ से बिहार क्रिकेट के हाथ से अगर मान्यता गई तो इसके जिम्मेवार केवल अध्यक्ष ही नहीं कहलाएंगे, हम भी कहलाएंगे, लेकिन कभी भी बिहार क्रिकेट हम लोगों को माफ़ नहीं करेगा। सर, क्रिकेट में लगातार उतार चढ़ाव हो रहे हैं, लेकिन कुछ खुशखबरियाँ भी आ रही हैं। बिहार के 4 लड़के इस बार मैनुअल स्कोरिंग में पास किए हैं। पूर्व में BCCI में जाने वालों में LP वर्मा जी और रविशंकर अंपायर थे। आप क्या कहना चाहेंगे उन लड़कों के बारे में? नहीं, वो चारों लड़के जो अभी हाल में पूर्व के सेक्रेटरी जो माननीय रविशंकर बाबू के टाइम में जो चुनाव एग्ज़ाम हुआ था स्कोरर का, उसमें 3 लड़के और 1 लड़की पास की थी, बढ़िया था। और आपको बता दूँ कि वो चारों को BCCI के द्वारा जो मैच हुआ था उसमें उन लोगों को यहाँ पे स्कोरिंग के लिए मौका भी दिया गया था, तो एक अच्छा पहल है, हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं। लेकिन इस तरह का जो अभी जो परिवेश बना हुआ है इससे हम लोग काफ़ी पीछे जाएंगे, ये एक सोचने की स्थिति है। सर, आपके बच्चे, आपके समय में एक और खुशखबरी सुनने को मिली, आपके बच्चे राजस्थान रॉयल्स के बॉलिंग स्क्वाड में आए हैं, उन लड़कों के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको बता दूं कि उसमें एक लड़का समर कादरी है, वो पिछले 2 साल से राजस्थान रॉयल्स के लिए बॉलिंग स्क्वाड में था, और एक इस बार हर्ष विक्रम जो नया स्क्वाड में गया, उसको अभी हम लोग एक बिहार में गोरखपुर में एक मैच हो रही थी, तो गोरखपुर के एक मैच में हमने बिहार एकादश का कप्तान हर्ष विक्रम को बनाया था, और वो लड़का रणजी ट्रॉफी का हमारा प्लेयर भी है, तो अच्छा किया है। और वो मैं चाहूँगा कि वो इसी तरह से बिहार के बच्चे बॉलिंग स्क्वाड में ही नहीं, किसी न किसी दिन मेन स्ट्रीम में IPL में खेलें और हमारे बिहार का नाम रोशन करें। सर, IPL से याद आया, IPL इस बार विदेश में हो रहा है। IPL एक अच्छा प्लेटफॉर्म हुआ करता है हमारे लड़कों के लिए, विदेशियों के लिए भी, और अच्छी व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ करती है IPL, बहुत फंड आता है, बहुत पैसा आता है, इस बार विदेश में हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? चलिए, आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के कारण यहाँ पे बहुत दिक्कत था, हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं सौरव सर, काफ़ी कोशिश किया उन्होंने, लेकिन जब देखे कि नहीं हो पा रहा है तो ये शिफ्ट हुआ UAE में। कल एक मेल भी आया है जैसा का एक लेटर हम लोग को, सब लोग को, स्टेट एसोसिएशन को आया, क्योंकि IPL में सभी स्टेट एसोसिएशन के मेंबर को बुलाया जाता है एज ए गेस्ट, लेकिन UAE के कारण नहीं हो रहा है। तो लेकिन इससे एक फ़ायदा है कि IPL में कई बच्चों को चांस मिलता है। याद होगा IPL नहीं रहने के कारण पहले इंडिया टीम में मात्र 15-16 लड़के ही खेल पाते थे। IPL एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए IPL कराना एक अच्छा पहल है, ताकि सभी बच्चों को, तकरीबन 200-250 बच्चों को चांस मिलता है, तो ये एक अच्छी पहल है हमारे अध्यक्ष और जैसा सचिव के द्वारा। सर, IPL के तर्ज पे ही बिहार क्रिकेट एसोसिएशन क्यों नहीं ऐसा कोई टूर्नामेंट कराता जिससे गाँव के लड़के भी आएँ और सामने आकर अपना जौहर दिखाएँ? थोड़ा सा पीछे जाइए सुरेश जी, तो युवा खेल फाउंडेशन के तहत मैंने BPL का एक करार तय किया था, उस समय रणजी ट्रॉफी चल रही थी और BPL की सारी फॉर्मेट तैयार हो गई थी, इसलिए ताकि बिहार के भी बच्चे, गांव दूर सुदूर ग्रामीण में जो बच्चे छुपे रह जाते हैं, उनको BPL के तरफ यहाँ पे उनको एक चांस मिले, ताकि वो बच्चे अपना प्रतिभा को दिखा सकें। लेकिन बीच में कोरोना के कारण काफ़ी चीज़ें खराब हुई, और उसके बाद ये अध्यक्ष जी का जो असंवैधानिक काम आने लगा, जो झगड़ा होने लगा, तो क्रिकेट ग्राउंड कम कोर्ट में ज़्यादा चलने लगा। सर, MS धोनी प्रकरण, जस्ट MS धोनी ने संन्यास लिया है, एक बड़े खिलाड़ी थे, अच्छे मैच फिनिशर थे, और उनके 5 मिनट बाद सुरेश रैना ने भी संन्यास लिया। धोनी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ी थे, आपकी क्या राय है? ये तो एक अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन कहिएगा तो मेरा मानना था कि धोनी को एक मैच, लास्ट मैच मिलना चाहिए था, क्योंकि धोनी एक लौटे ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट ICC का जीत दिलाया है, चाहे वो आप चैंपियंस ट्रॉफी कहें, ICC 2020 का वर्ल्ड कप कहें, या फिर हमारा मेन वर्ल्ड कप कहें, तो उनको एक लास्ट मैच, विदाई का फेयरवेल मैच मिलना चाहिए था, लेकिन ये BCCI के अंदरूनी मामला है, इसमें तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन धोनी एक लीजेंड है, और हमें लगता है कि धोनी और रैना का एक इमोशनल अटैचमेंट था,
धोनी और रैना का एक इमोशनल अटैचमेंट था। धोनी के कप्तानी में आप देखे होंगे चेन्नई सुपर किंग्स में हमेशा रैना उनके साथ कदम से कदम मिलाए हैं, तो लगता है कि इसी इमोशनल अटैचमेंट के कारण धोनी के 2 घंटे के बाद रैना ने भी अपना इस्तीफा संन्यास की घोषणा की, और वो भी दिन भी चुना एक ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त के। सर आपको नहीं लगता सुरेश रैना का संन्यास धोनी के संन्यास के कारण दब गया? रैना पहले भारतीय थे जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाया। सही बात है, रैना के नाम में तीनों फॉर्मेट में शतक है, लेकिन कभी कभी कोई व्यक्तित्व होता है तो आपको मालूम है कि धोनी का व्यक्तित्व, मेरा पर्सनल ओपिनियन, धोनी का व्यक्तित्व ऊंचा है एज ए कैप्टन, लेकिन रैना एक ऐसे प्लेयर थे जिन पे काफ़ी भरोसा करते थे, एक अच्छे फिनिशर के रूप में जाने जाते थे। जब भी लोग बोलते थे कि जब सब कुछ क्रिकेट में ख़त्म होने लगता था तो बोलते थे लोग रैना है ना, लेकिन ये उनका जो संन्यास का जो मामला बना उसमें उसी दिन धोनी का जो संन्यास हुआ उसके कारण उनका संन्यास छुपा, और थोड़ा कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में इनकी व्यक्तित्व थोड़ी सी दब गई। सर एक बार फिर आते हैं, आपको क्या लगता है जो बिहार का क्रिकेट का प्रकरण चल रहा है वो कब तक समाप्त होगा और वापस धरे पे बिहार क्रिकेट कब आएगी? अभी हाल में ही आपको पता होगा हमारे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हमारे 13 जिला के मेंबर 1/3 कोई भी रिक्विजिशन दे सकते हैं, तो अभी हाल में 23 जिला के मेंबर ने हमारे अध्यक्ष पे अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए उन्होंने रिक्विजिशन डाला, जिसकी सूचना कॉम के सारे मेंबर इवन अध्यक्ष जी को भी मैंने दे दिया, और वो SGM 30 तारीख को है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 30 तारीख को ये प्रकरण बहुत जल्द खत्म होगा, और अभी बहुत सारे मामले कोर्ट में भी पड़े हुए हैं, हाई कोर्ट में भी पड़े हुए हैं, उसकी भी डिसीजन बहुत जल्द आएंगी। आपको उन्हीं के असंवैधानिक कारण माननीय जो रिटायर्ड जस्टिस थे नीलू अग्रवाल को भी रिस्ट्रेन होना पड़ा हाई कोर्ट के कारण, तो अब लगता है कि कोर्ट अपना खुलने वाला है। 30 तारीख का SGM में सब कुछ सही रहा तो अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो एज वेल एज गुड, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद सर, ये थे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी संजय कुमार जी।